ब्लू कलर का आई मेकअप लुक एंड या आई नो मैंने बहुत टाइम है कोई भी नई मेकअप लुक शूट किया सो दैट वॉज द रीजन दैट आई एम ओवर हियर एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रेजर बेलकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन ऑल्सो कमेंट्स में बताओ कि कैसा लग रहा है आपको ये मेरा ईद मेकअप लुक डू यू लाइक इट डू नॉट लाइक इट जो भी है आप कमेंट्स में बताओ एंड या नाउ बिफोर जंपिंग इन टू द वीडियो मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन ऑल्सो डो नॉट फॉलो गेट टू फॉ माई ऑन माइ इंटाग्राम नॉट विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर दाइम लेट्स गेट स्टार्ट सो so गाइज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन के कंसीलर से एंड मैं उसे अपने पे लाइक like, अच्छे से लगा रही हूँ एंड मेरा शेड है सी सिक्स बहुत लाइट है दैट्स द रीजन कि मैं उसे अपने आई बेस की तरह से यूज कर रही हूँ जिससे मेरा आई शेडोस एकदम पॉप आउट हो इसकी वजह से काइंड ऑफ वाइटिश टोन में है सो so या yeah, मैं उसे देन कफ्स एंड लैसेस के कंसीलर ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ एंड देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा लूज पाउडर मेवलिन का एंड मैं उसे अपने आई को सेट करने के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ एंड देन आई एम टेकिंग दिस कफ्स एंड लैशेज के एंचैंटिंग पैलेट एंड उसमें से मैं ये ले रही हूँ एकदम लाइट ब्लू शेड और मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर एंड मैं इनर लिड के पास मैं प्लेस कर रही हूँ एकदम अच्छे से पहले जस्ट सिर्फ प्लेस कर रही हूँ ब्लेंड नहीं कर रही एंड देन मैंने ये दूसरा लाइक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड मैं अच्छे से थोड़ा बहुत ब्लेंड कर रही हूँ क्रीज के साइड पे एंड देन मैं उससे भी बड़ा लाइक ब्लेंडिंग ब्लश ले रही हूँ और उसको एकदम अच्छे से डिफ्यूज कर रही हूँ पूरे क्रीस पे एकदम अच्छे से टाइम दे रही हूँ ब्लैंडिंग को ना ही फटाफट कर रही हूँ सो यू आई गिव टाइम टू योर ब्लैंडिंग सो देट मेकअप टर्नस आउट रियली गुड देन मैं ले रही हूँ ये एक डार्क ब्लू शेड फ्रॉम द सेम पैलेट एंड मैं इसे आउटर एंड इनर कॉर्नर पर भी प्लेस कर रही हूँ एंड ना ये मैंने लिया है सिफोरा का सिंगल आई शेडो एंड मैं उसे अगेन आउटर एंड इनर कॉर्नर पे ही फोकस मेनली कर रही हूँ देन आई एम टेकिंग दिस मनीष मल्होत्रा के आई शेडो पर उसमें से मैंने एक गोल्डन शेड लिया है ब्यूटिफुल गोल्डन एंड जो भी फॉल आउट हुआ है मैंने ये सारा वेट वाइप से मैं उसको एकदम अच्छे से लाइक like क्लीन कर दूंगी एंड देट इज द रीजन वाई यू शुड ऑलवेज गो फॉर योर आई मेकअप फर्स्ट जब आई मेकअप हैवी हो नाउ आई एम टेकिंग दिस गॉर्जियस लाइक पर्पल सा शेड एंड मैं उसको अपनी लोअर लैश लाइन पे मैं स्मोक आउट कर रही हूँ ताकि एकदम अच्छे से लेग स्मोक या आई जैसा भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आए नेक्स्ट मैं ले रही ये येलो कलर एंड मैं इसको हमने इनर कॉर्नर पर प्लेस कर रही हूं एंड नाउ आई एम ड्राॅइंग एन आई लाइनर विंगड आई लाइनर विथ लैक में एंड देन मैंने अपने आई को कर्ल किया हुआ है विथ अ कर्लर एंड देन मैंने शुगर का लिया है uh, और यू कैन से काजल मैंने उसको काजल को एकदम अच्छे से स्मोक आउट भी किया है लोअर लैश लाइन पे भी एंड मैंने वाटर लाइन पे भी मैंने यही लगाया है ना आई एम टेकिंग दिस मेब्लिन लैश सेंसेशनल मस्कारा इट्स अ रियली गुड मस्कारा गस्ट ट्राई इट फॉर वंस ट्राईट ऑन माई रिकमेंडेशन यू आर गोइंग टू लव इट इट इज रियली अमेजिंग एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू लाइक डू दिस ऑफ कैमरा

क्लेंस योर फेस टू नाउ आई एम टेकिंग गुड वाइप्स का पोमोग्रेड टोनर एंड मैं उसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा दूंगी अदर देन ऑन माई आईज क्योंकि आई, आई, आई मेकअप मैं खराब करना नहीं चाहती अब ले रही हूं इस तैकुआ की का प्राइमर मैं उसको अपने टीजोन पे मेनली फोकस कर रही हूँ एंड जो भी बचा कुचा प्रोडक्ट है उसको मैं अपने पूरे फेस पे डिपॉजिट कर दूंगी इवनली ये ब्लरिंग प्राइमर तो नहीं है बट ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है जिससे अपने पोर्स सारे बंद हो जाते हैं ब्लर लगते हैं नाव मैं ले रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कलर करेक्टर व्हील एंड मैं इसको अपने अंडर आई पे लगा रही हूँ ये ऑरेंज शेड क्योंकि लाइक वो डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है एंड इवन उसको अपने माउथ के आसपास के रीजन पे भी लगा रही हूँ क्योंकि मेरा माउथ के आसपास का रीजन थोड़ा बहुत डार्क है अब मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर करेक्टर एंड मैं अपने लाइक एक्नेस का के मार्क्स हो गए या फिर जो रेडनेस हो गई मेरे नोज के आसपास मैं उस पर लगा रही हूँ ताकि मेरे सारी लाइक रेडनेस अच्छे से चली जाए एंड मैं इसको एकदम अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्रश से एंड देन मैं ले रही हूँ ये एक ब्यूटी ब्लेंडर डैम ब्यूटी ब्लेंडर एंड सबको एकदम अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी सबको एक साथ एकदम अच्छे से ताकि कोई भी हार्श लाइन ना हो एंड इसके बाद मैं अपना फाउंडेशन अच्छे से लगा सकूँ यहाँ पे मैं ले रही हूँ शुगर का ये फाउंडेशन आई नो ये मेरे स्किन से थोड़ा बहुत डार्क है एंड काइंड ऑफ ऑरेंज साइड पे है इसी की वजह से मैं इसको लाइक मिक्स करके लगाऊंगी बट पहले मैं लगा रही हूँ शुगर का कंसीलर एंड मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी विथ ये कॉफ्स एंड लाशेज का टॉप फ्लैट ब्रश एंड मैंने थोड़ा बहुत इसमें लाइक मिक्स किया है वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन भी मेरा ताकि लाइक इतना लाइक डिफरेंस ना आए मेरे स्किन के कलर में और इसमें एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट वर्क सो या दिस इज हाउ यू कैन लाइक वर्क विथ योर फाउंडेशन अगर थोड़ा बहुत डार्क है या लाइट है अगर लाइट है तो थोड़ा बहुत डार्क फाउंडेशन भी लगा सकते हो देन मैं वापस ले रूँ अपना डैम ब्यूटी ब्लेंडर एंड एक बार फिर से मैं सारी चीजें एकदम अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी अगर कोई भी हार्श लाइन्स ले गई होगी तो इससे सारी अच्छे से सा ब्लेंड हो जाएगी एंड मैं इसको एकदम अच्छे से टाइम दे के कर रही हूँ ना कि ऐसा हरी में कि थोड़ा बहुत हो गया तो चलेगा नहीं आपको हमेशा अपने फाउंडेशन को अच्छा टाइम देना चाहिए अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए एज यू कैन सी मैं नेक के एरिया पे भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ सो डू मेक श्योर यू ब्लेंड ऑन माई योर नेक एज वेल देन मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर यू ऑल नो इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट एंड मैं इसको अंडर आई पर लगा रही हूँ एंड मैं काइंड ऑफ लिफ्ट इफेक्ट चाहती थी तो मैंने लाइक एज यू कैन सी मैंने लिफ्टिंग वाला हैक यूज़ किया हुआ है देन मैं ले रही हूँ उसको थोड़ा बहुत अपने नोज एरिया पे ब्रिज ऑफ माई नोज पे लगा रही हूँ देन मैं लाइक like लिप्स के नीचे एंड इवन ऑन थोड़ा बहुत मेरा फुल हेड के पास में एंड इवन अराउंड माई लाइक लिप्स क्योंकि थोड़ा बहुत वो डार्क है देन मैं ले रही हूँ वापस कप्स एंड लैशेज़ का वही लाइक कंसीलर ब्रश एंड उससे थोड़ा बहुत सिर्फ ब्लेंड करूँगी नॉर्मली ना कि लाइक एकदम अच्छे से ब्लेंड करूंगी जस्ट ऐसे लाइक स्किन के अंदर थोड़ा बहुत अच्छे से लाइक like, ब्लेंड हो जाए फाउंडेशन के साथ इसलिए एंड देन मैं जा रही हूँ ये अगेन विथ माई ब्यूटी ब्लेंडर एंड दिस वन इज़ रियली अमेजिंग आई यू कैन गेट इट फ्रॉम लाइक अमेजॉन I'll मेक श्योर टू लीव द लिंक डाउन बिलो देन मैंने वापस कलेक्ट कलर करेक्टर व्हील से ही ये लाइक मेरा ब्राउनजिंग के लिए और यू कैन इवन से फॉर कॉन्टोरिंग मैंने ये अच्छा सा लाइट ब्राउन शेड लिया है एंड मैं उससे लाइक अपनी नोज को कंट्रोल करूँगी एंड जो डार्क शेड है उससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी. सो एज यू कैन सी मैंने चीक्स को कॉन्टोर किया है मैंने मेरी जॉ लाइन को कॉन्टोर की है मैंने मेरे फोर हेड को कॉन्टोर किया है एंड दिस इज हाउ आई एम प्लेसिंग एवरी कलर अब मैं सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ सो so मैं अगेन कप्स एंड लाशेज के यही ब्रश है सब कुछ लाइक like, ब्लेंड कर रही हूँ तो अगर आपको जब भी चीक्स पे कॉन्ट्रोल करना हो या लाइक like, ब्लेंड करना हो ऑलवेज ब्लेंडेड ऑन अपर डायरेक्शन एंड जब भी आपको जॉ लाइन ब्लेंड करनी हो तो ऑलवेज लाइक ब्लेंडेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इससे यू कैन इंस्टेंटली सी दैट कॉन्ट्रोल एंड चिजल्ट फेस एंड देन मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ मेरा फोर पे एंड मैं उसको अपने हेयरलाइन से भी ब्लैंड कर दूंगी नेक्स्ट मैं अपना जो नोज है नोज कॉन्ट्रोल है उसको ब्लेंड करूँगी एकदम अच्छे से कोई भी हार्श लाइन्स नहीं रहने दूंगी क्योंकि वो फिर अच्छी नहीं लगती सो ये डू कंटोरेट एंड देन मैं ले रही हूँ ये शुगर का ट्रांसलूसन पाउडर एंड मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से इससे लाइक like, पाउडर कर दूंगी एंड देन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ये मेकअप रेवोल्यूशन का लाइक कॉन्टोर एंड हाईलाइटिंग पैलेट जैसा जिसमें लाइक like, ये बनाना पाउडर शेड है एंड मैं इसे लाइक like, बेकिंग कर रही हूँ अपनी अंडर आई एरियाज एंड इवन माई जॉ लाइन सो या आई डू लाइक टू लाइक बेक माई फेस जिससे मेरा फेस ऑल ज़्यादा अच्छे एंड लाइक स्लिम हो एंड देन मैं ले रही हूँ ये लाइक like, बड़ा सा कफ्स एंड लाशेज का लाइक like, ब्रश एंड इससे मैं अपने पूरे फेस को लाइक पाउडर को एकदम अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी देन मैं ले रही हूँ ये माई ग्लैम का ब्लश एंड इट्स इज अ रियली अमेजिंग वन गाइज इट स्मेल्स रियली गुड इट वर्कस रियली गुड एंड आई रियली लव इट एंड मैं इसको एकदम अच्छे से लाइक एप्पल ऑफ माई चीक्स एंड इवन ऑन माई ब्रिज ऑफ माई नोस एंड थोड़ा बहुत नोज़ पर भी अच्छे से कंट्रोल कर रही हूँ देन मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये के बाई कटरीना का हाईलाइटर एंड इट इज़ इन द शेड सनलेट एंड मैं इसको एकदम अच्छे से लगा रही हूँ एज यू कैन सी एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइक शाइनी है सो so उसको थोड़ा बहुत सेटल करने के लिए मैं वापस अपना ब्यूटी प्लेंडर ले रही हूँ एंड उससे अच्छे से एकदम ब्लेंड कर रही हूँ एज यू कैन सी ताकि वो एकदम चड़कीला भड़कीला एकदम ऐसा लाइक like, डिस्कोबॉल जैसा ना लगे एकदम सेटल से एकदम ब्यूटिफुल नेचुरल लगे देन मैं नेक्स्ट ले रही हूँ ये साई स्टाइल्स का मेकअप फिक्सर एंड उसको अपने लाइक पूरे मेकअप पे मैंने लाइक स्प्रे कर दिया है एंड मैं ले रही हूँ यहाँ पे माइक ग्लैम की लिपस्टिक एंड इसका है शेड गॉडेस एंड क्योंकि मैंने मेरा मेकअप लाइक आई मेकअप हैवी किया है तो मैं अपने लिप्स को प्रेटी न्यूट्रल ही रख रही हूँ एंड ये थोड़ा बहुत मॉव कलर है यू कैन इवन गो फॉर ब्राउन न्यूड शेड्स एज वेल एंड गाइज दिस मेकअप लुक टर्न आउट आई होप यू गाइज एंजॉय डिट If you enjoyed it, then make sure you subscribe to my channel. And yeah, guys, Eid Mubarak in advance. Stay home, stay safe, and love you guys. Okay, so guys, this is how my Eid makeup look turned out. And I hope you guys that you enjoyed my video. If you enjoyed this video, then make sure you like my video, subscribe to my channel, and press that bell icon for future notification. Also, do not forget to follow me on my Instagram, that is Mani underscore underscore And I'll see you in my next video. Until then, goodbye.